हेलो एंड वेलकम आई यू आर वॉचिंग ऑन टाइम टेक्निशियन आई एम शाहरुख लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों फ्रॉड के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेटीएम फ्रॉड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ एक पेटीएम फ्रॉड होने वाला था और मैं उससे थोड़ा थोड़ा बच गया क्योंकि मैंने उसको पहचान लिया कि ये एक फ्रॉड कॉल है और एक फ्रॉड SMS है जो मेरे सेल फोन पर आया। तो उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस नंबर से कॉल आई थी और किस नंबर से SMS आया। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का SMS आता है या कोई कॉल आती है तो दोस्तों आप कैसे पहचानेंगे कि ये पेटीएम की ओर से ऑफिशियल कॉल नहीं है, ये एक पेटीएम फ्रॉड आपके साथ होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि पेटीएम फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो। तो आज मैं अपने इनबॉक्स को आपको दिखा देता हूँ कि SMS मेरे पास किस तरह का आया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फोर्थ नंबर पर एक SMS आया जो जिसमें कि लिखा है, आप यहां पे देख सकते हैं, वेलकम टू पेटीएम 1150 कैशबैक वेरीफाई लिंक अपडेट क्लिक हियर। तो यानी कि इस लिंक पे क्लिक कराने को मेरे पास इसी नंबर से, जिस नंबर से आप देख सकते हैं 9065000461, इसी नंबर से कॉल आई थी और मुझसे बोल रहे थे कि अगर आप अपने KYC का कैशबैक आपको नहीं मिला है तो 1150 रुपये का कैशबैक आप पा सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और ब्राउजर में इस लिंक को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं तुरंत पहचान गया कि ये पेटीएम फ्रॉड मेरे साथ होने वाला है, ये ऑफिशियल पेटीएम की ओर से ये SMS नहीं आया। क्योंकि अगर ऑफिशियल पेटीएम की ओर से ये SMS मेरे पास आता तो इस तरह का नंबर नहीं होता, वो होता कुछ तरह का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पेमेंट रिसीव किया है जैसे कि ऊपर 90 रुपीज का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें टॉप में आप देख सकते हैं कि VMI Paytm, इस तरह से पेटीएम के SMS आते हैं। या किसी बैंक का आप देख सकते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक से मैंने आज कुछ पैसे जमा किए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SMS यहाँ पे VMPNB SMS के नाम से। तो ऑफिशियल जो आपके पास SMS आएगा वो आएगा पेटीएम का, पेटीएम के ऑफिशियल VMI Paytm से। दोस्तों मैंने तुरंत पहचान लिया इसको कि ये एक फेक कॉल है और ये मेरे वॉलेट को क्रैक करते या कुछ भी ऐसी मेरे साथ ऐसी घटना हो जाती जिससे मेरा पेटीएम का वॉलेट या कुछ भी, या मेरा पेटीएम अकाउंट ही हैक हो जाता, तो कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों इस तरह के नंबर से आप बचें, इस तरह के SMS से बचें। ध्यान रहे कि अगर ऑफिशियल नंबर से या किसी ऑफिशियल पेटीएम के नंबर से आपके पास SMS आता है तो उसी पे रिप्लाई करें, वरना आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारे छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाने से पहले इस बॉल के आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।